लेके आऊंगा मैं, do you understand? पीछे हटो गंजे आछे मसाडा स्टैंड, जब तो नका मन जो ना कर लो एवरी मैच, आओ मिलके हम बनाए नंबर वन ये बैंड, नंबर वन मगर पापा छांगा मांगा में क्या है? वापे का दफ्तर। मगर बिजली का बिल हम जमा करा नहीं चुके। भाई छांगा मांगा में छांगा मांगा ही होगा और क्या होगा? मगर पापा वहाँ तो मैं बहुत बोर होऊंगा। बेटे आपके लिए वहाँ पर मिस्री रकासा का इंतजाम करें। मिस्री रकासाएं? यू मीन बेले डांसर्स? पहले गोश्त कम है जो तुम रकासा में बेले डाल रहे हो। सॉरी सर, सॉरी सर। खासब खासब हम लोग तैयार हैं। वेरी गुड, बड़े एक्साइटमेंट हो रही है तुम्हें। हाँ, वो दरअसल में सर मेरा तो बचपन का ख्वाब था एक दिन छांगा मांगा जाके गुजारा। पहले बताओ, हम अपना कॉलेज वहीं शिफ्ट करा लेते भाई। वो खैर मैं आपको बताने आया था कि सारे स्टूडेंट्स तैयार है, तो कब हमें निकलना है? जब 9 नंबर की वैगन निकलेगी। आप बड़े खुश हैं पापा। जब वहाँ पहुँचोगे तो खुश तो तुम लोग भी होगे। क्या क्लासिक किस्म का सरप्राइज होगा वहाँ। मैं बताता हूँ, वहाँ से जंगलों में से शेर निकलेगा और इनको खा जाएगा। भाई वहाँ पहुँचो तो सही, तुम लोगों के लिए एक स्पेशल सेलिब्रिटी है। सर मीरा तो मुल्क से बाहर नहीं गई हुई। फिलहाल मेरे से गुजारा करो, मीरा को उसकी हाल पे छोड़ो। बहुत याद आती है तुम्हें मीरा। सॉरी सर। चलो, मगर वो सेलिब्रिटी होगा कौन? पता नहीं खान साहब, मैं जरा कपड़े चेंज करके। सेक्रेटरी? यस सर। तुमने ये सरप्राइज तो मुझे दिया। कौन सा सर? ये तुम्हारे कजन यहाँ बंद है? मैं भूल गया सर। व्हाट ए ब्यूटीफुल प्लेस सर। तो फिर सर आज की रात यही पड़ाव डाल दे। मैं कोई सिकंदर आजम नहीं हूँ जो यहाँ पड़ाव डालूंगा, समझ में आएगा तुम्हें? सॉरी सर। पापा यहाँ तो बड़ी गर्मी है। तो कमीज उतार दे। सर अब क्या हुआ? ये मेरा बेटा है, इसको तुम इंडियन मॉडल बनाने की कोशिश मत करो। पापा इस मैं धूप खाता है तो मेरी स्किन जल जाएगी। ये हम छांगा मांगा आए हैं बेटे, कोई तंदूर में नहीं है जो तुम्हारी स्किन जल जाएगी। अच्छा मिट्टी पाओ। हाँ मिट्टी पा आती। चलो पापा ये तो बताएं, वो आपने मेरे सरप्राइज क्या रखा है? हाँ सरप्राइज में मुझे याद आया, एक्सक्यूज मी। हाँ कहाँ तक पहुँचे हो? अच्छा जब चौक से तुम सामने गली की तरफ आओगे तो वहाँ छांगा मांगा का बोर्ड होगा, ठीक है? वहाँ से राइट टर्न कर जाना। राइट राइट, ओके ओके ओके, बाय। लो भाई सरप्राइज भी अब नजदीक पहुँच गया है। गुड, देखते बच्चे कहाँ हैं। आइए सर, तलाश करते हैं बच्चों की। ओके ओके, कम ऑन। मच्छर, ओ गॉड, ये कहाँ आ गए? छांगा मांगा, ये तो मुझे भी पता है, कोई ऐसी बात बताओ जो मुझे नहीं पता है। हाँ मेरा महीने में सिर्फ 4 दफा अपने बाल शैम्पू करना। अपने बारे में नहीं, इस जगह के बारे में। Hey guys. Hi. कहाँ रह गई थी तुम? कोई नहीं, मैं अपने नोट्स लेने गई थी। क्या तुम यहाँ भी पढ़ाई करोगी? तो और क्या, दिस इज द बेस्ट प्लेस, इतना पीस और साइलेंस हर जगह। गॉड ट्रस्ट टू से दैट। इसको तो अकेले रहने का इतना शौक है, अपना बर्थडे केक भी अकेले काटेगी। ठीक है बात। वैसे ये क्या बात की है तुमने? दिमाग खराब हो रहा है मेरा, कॉलेज ट्रिप के लिए जंगल में आ गए हैं। रिलैक्स, चिल करो, देखना अभी थोड़ी देर में ना बड़ा मजा आएगा। मजा आएगा? कहाँ है वो दोनों पार्टनर्स? पार्टनर मानो या ना मानो, मगर इन जंगलों के पीछे जरूर जरनाटा या मुगेम्बो टाइप किसी कैरेक्टर का ना अड्डा होना है। हाँ सब, उस जंगल के पीछे भी जंगल ही है और आगे भी जंगल ही है। पार्टनर तुम्हारी आंखें वो नहीं देख पा रही जो मेरी आंखें देख रही हैं। वो क्यों जी? क्योंकि तुमने नूरी का नया एल्बम नहीं सुना हुआ। जी अच्छा हुआ नहीं सुना जी, वैसे भी मच्छरों ने काट काट के मेरी वेस्ट 2 इंच और बढ़ा दी है। इसीलिए कहता था कि सर रॉक म्यूजिक सुना करो, पॉप नहीं। म्यूजिक का मच्छरों से क्या ताल्लुक है?
देखो पॉप म्यूजिक सुनने वाला है खुश आदमी होता है, इसलिए मच्छर भी काटने के बाद कहता है मजा आ रहा है। और रॉक म्यूजिक वाला? रॉक म्यूजिक वाला वैसे एक सड़ा हुआ करेक्टर होता है, इसलिए मच्छर भी कहता है जेड़ा बाहरों इतना सड़िया है उन्हें अंदरों की होना है। मजा आ रहा है? जी सर, अभी रोलर कोस्टर में बैठ के आ रही हूँ। छांगा मांगा में रोलर कोस्टर? तंस कर रही हो है? सर आप मैम? हाँ भाई वो मेरी माँ, I mean my mom, क्या कर रही थी तुम? सर मैं नोट्स पढ़ रही थी। नोट्स को छोड़ो, मैंने आप लोगों के लिए खास एंटरटेनमेंट का इंतजाम किया है। सर इस बनाने में क्या एंटरटेनमेंट होगी? अच्छा ये बताओ मायमा, तुम्हें इंस्ट्रूमेंट कौन सा पसंद है? फ्राई पैन। मैं मारने वाली की बात नहीं करूँ, बजाने वाली की बात। गिटार। गिटार, वेरी। और तुम्हें? मेरा भी गिटार ही है। वेरी गुड एक्सीलेंट। तो अगर एक यहाँ पर एक गिटारिस्ट का अरेंजमेंट किया जाए तो कैसा है? गिटारिस्ट? और अगर वो रॉक स्टार भी हो फिर? किसकी बात कर रहे हैं सर? मैंने तुम लोगों से कहा था ना कि मैं छांगा मांगा में तुम लोगों के लिए एक स्पेशल सेलिब्रिटी बुलाऊंगा। जी तुम आ गया। मगर कौन? शालुम साहब, आप क्या फील कर रहे हैं यहाँ कछांगा मांगा में? कंफ्यूज्ड। क्योंकि जंगलों में पहली दफा गिटार का लेक्चर देने जो आया हूँ। मैंने सोचा कि भाई कमरों में तो लेक्चर होते रहते, क्यों ना जंगल में लेक्चर दिया जाता कि बच्चों के भी कुछ पल्ले पड़े। ए? तो माइक और स्टेज कहाँ है? माइक और स्टेज अभी? क्यों भाई माइक और स्टेज क्यों? लेक्चर के लिए। अरे नहीं भाई, हमने कॉन्सर्ट नहीं करना, हमने सिर्फ लेक्चर दिलवाना है। तो आप कहीं भी कोने में खड़े होकर शुरू हो जाए। जी मैं आपके म्यूजिक का बड़ा फैन हूँ। वो जो आपका जबरदस्त म्यूजिक मैंने सुना है उसका अपना आदत। आदत जल का गाना है। आदत जल, जोक जोक। हमारा आपने जो उसमें म्यूजिक दिया है ना जी, क्या नाम उसका, दूर में कमाल दिया भाई। दूर स्ट्रिंग्स का गाना है। ये कब हुआ? मेरा ख्याल है सर बच्चों को बुला ले। यकीनन बुला ले बच्चों को। आपका बहुत बहुत शुक्रिया शालम साहब कि आप कराची से हमारे छांगा मांगा में तशरीफ लाए। वैसे आप कितने का बेले हो तुसी, जरा दसो ना। बस जब दूसरा एल्बम आने में 3 साल लग जाए तो बंदा छांगा मांगा क्या काने काछे पहुंच जाता है। यू आर राइट भाई, बच्चों को बुलाओ। बिल्कुल। और उनको कहो कि आपका सरप्राइज आ गया है शालम साहब, जो मर्जी इनके साथ करें।